हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आउटलुक लाइक प्रियंका। होप यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं एक रिसेप्शन लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस। तो गाइज, ये जो लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ, ये एक रिसेप्शन या पार्टी लुक है। इस लुक के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है एक ड्रेस, और ड्रेस में जो मैं पहनने वाली हूँ वो है साड़ी। तो चलिए वो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, दिस इज द साड़ी। ये जो साड़ी है ये देखने में बहुत ही सिंपल है। इसमें बस इस तरह से बॉर्डर है, पूरी साड़ी पर इस तरीके का बॉर्डर है। साड़ी इज नॉट अ लाइट वेट नॉर अ हैवी वेट। साड़ी ना बहुत ज़्यादा हल्की है ना ही बहुत ज़्यादा भारी है। साड़ी बहुत ही ईजी टू कैरी कपड़े की है ये साड़ी। और ये जो है ये पूरे इस तरीके से बॉर्डर में लास्ट में जहाँ पर आँचल आता है वहाँ पर इस तरीके से लटकन लगी हुई है। और पूरी जो साड़ी है, साड़ी इस तरीके से प्लेन साड़ी है ये। इस तरह से है, ओके। तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। और इस पर जो ब्लाउज है, ब्लाउज मैंने स्टिच कराया है वो है ये है, ओके। दिस इज़ द ब्लाउज जो कि सेम इसी साड़ी का है, मैंने स्टिच कराया है। एंड ब्लाउज बहुत खूबसूरत है, इस पर वर्क बहुत ही अच्छा है। और इस साड़ी के साथ ये बहुत ही अच्छे से जाएगा। सिंपल साड़ी लेने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं साड़ी वेयर करती नहीं हूँ, फंक्शंस में ही मुझे साड़ी वेयर करनी होती है। तो ये साड़ी इस टाइप की है कि आप इसको एक नॉर्मल ओकेजन पे भी वेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी पार्टी या फंक्शन में भी इसको वेयर कर सकते हैं। ये जो साड़ी है गाइस, ये साड़ी है फ्रॉम द ब्रांड मोहे, और इसको मैंने परचेज़ किया था मिंत्रा से 3999 में। और चलिए जो नेक्स्ट है ड्रेस के बाद जो आता है वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी में मेरे पास दो ऑप्शंस है। अगर आप लुक को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाहते हैं तो उस केस में आप गोल्ड के मंगलसूत्र वगैरह कैरी कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइप के मंगलसूत्र आप कैरी कर सकते हैं। और इस मंगलसूत्र को वेयर करने पर मैं इसके साथ डेफिनेटली ईयर रिंग्स जो है वो गोल्डन कलर के ही रखूँगी। और वो ईयर रिंग्स कुछ इस टाइप के हैं। तो गोल्डन मंगलसूत्र के साथ अगर मैं इयर रिंग्स कैरी करूँगी तो ये इयर रिंग्स मैं उनके साथ कैरी करूँगी। और अगर मैं इसके अलावा अगर मैं सेट कैरी करती हूँ नेकलेस का सेट, तो वो है दिस सेट, और ये पहनने पर बहुत खूबसूरत लगता है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड जावेरी पर्ल्स, और इसको मैंने परचेज़ किया था 400 something में। ये बहुत ही खूबसूरत सेट है, इसके साथ इयर रिंग्स भी हैं। और इन दोनों में से ही मैं चूज़ करके एक अभी लुक को क्रिएट करूँगी। और चलिए ज्वेलरी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है बैंगल्स। तो बैंगल्स के लिए मैंने मिक्स एंड मैच किया है, एंड दीज आर द बैंगल्स जिनको मैं कैरी करने वाली हूँ। और मैंने इसमें तीन कलर लिए हैं क्योंकि मेरी साड़ी में ब्लू भी है, गोल्डन भी है एंड रेड भी है। तो मैंने तीनों कलर्स को इस तरीके से मिक्स एंड मैच किया है। और अगर आप इसको मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहते हैं तो गोल्डन कलर के बैंगल्स भी सिंपली आप डायरेक्टली पहन सकते हैं। अगर आप गोल्डन कलर के बैंगल्स ले करके हाथ में डाल लेते हैं तो वो सिंपली वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं पहनने पर। और गोल्डन कलर के बैंगल्स तो डेफिनेटली अपने पास रखा कीजिए, क्योंकि अक्सर हर साड़ी पे मैचिंग ले पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पर गोल्डन कलर के बैंगल्स हमारे बहुत काम में आ जाते हैं। साड़ी मेरी सिंपल है, बीच में कोई डिज़ाइन ऐसे एज सच नहीं है, बॉर्डर पे है, तो इस वजह से मैं साड़ी पे एक बेल्ट लगाऊंगी बीच में, तो ये उसके लुक को बहुत इन्हांस कर देगा। और ये बेल्ट मैं इन जनरल बहुत सारे ड्रेसेस पे भी यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अनिकांत ब्रांड का है ये, और ये मैं अपने ड्रेसेस वगैरह के साथ भी वेयर करती हूँ। तो अभी मैं साड़ी के साथ इसको पेयर करूँगी। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद है वो है बैग। तो बैग के तौर पे मैं कैरी करूँगी ये है हाई डिज़ाइन का एक स्लिंग बैग। और इस बैग को मैं कैरी करने वाली हूँ अपनी साड़ी के साथ, क्योंकि इसका कलर भी ब्लू है और मेरी साड़ी का कलर भी ब्लू है। ऑल्दो अगर आपके पास कोई गोल्डन क्लच या गोल्डन बैग हो तो आप उसको भी कैरी कर सकते हैं, या पोटली बैग हो उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। मेरे पास गोल्डन कलर का
क्लच है बट सिंस उसमें हैंडल्स नहीं है और मुझे हैंडल्स के साथ कैरी करना थोड़ा इजी लगता है कि आप शोल्डर पे आप इसको मतलब ले लीजिए और देन यू आर इजी टू गो. तो इसी वजह से मैं इसको अपने साड़ी के साथ मैं इसको कैरी आज करने वाली हूँ. सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक. बालों को मैंने स्क्रिम्प कर लिया है और स्क्रिम्प करने के पहले मैंने हीट प्रोटेक्टर अपने बालों में यूज़ किया था और मेकअप में मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई की हुई है दिस इज़ रूबी वू और फाउंडेशन मैंने एस्टी लॉडर का लगाया है इन द शेड रेटन एंड मैंने नेकलेस की जगह प्रिफर किया मंगलसूत्र को और मैंने अपने कान में चांद बालियाँ कैरी की हैं. इस लुक को आप लोग किसी भी फेस्टिव अकेजन पे या किसी भी रिसेप्शन पार्टी वगैरह पे क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए. टिल देन टेक केयर यू ऑल. बाय बाय.